मैडम आपका फोन। थैंक यू। हेलो, ये स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? अजीत देसाई, कहिए। विमेन विद्या, हाँ सुना है, कभी कभार पढ़ भी लेती हूँ। कल शाम को 6:30 बजे, एक मिनट। ये मुलाकात इंटरव्यू के सिलसिले में है? नहीं, इंटरव्यू से ज्यादा एक्साइटिंग। कहीं आप मुझे अपना एडिटर बनाने की तो नहीं सोच रहे? ठीक है, कल शाम को 6:30 बजे, तब बता दीजिए। जी तो जैसा मैंने कहा कि मैं इस मैगजीन विमेंस इंडिया के एडिटोरियल स्टाफ से हूँ। हमारे संपादक ने सोचा कि एक नया कॉलम शुरू किया जाए जिसमें औरतें अपने करियर को लेकर अपनी समस्याएं हमें लिखें और आप जवाब देकर उन्हें उनकी समस्याओं का हल सुझा सकें। वैसे इस कॉलम के लिए हमने एक बड़ा प्यारा सा नाम भी सोचा है, तनु से पूछिए, आस्क तनु। बड़ा प्यारा सा जी, खिसा पिटा सा नाम है जी। जी देखिए अजीत साहब, इस तरह के कॉलम्स मैंने कई और मैगजीन्स और पत्रिकाओं में पढ़े हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि 10 लाइनों का जवाब लिखकर आप समस्याएं हल कर सकते हैं। जी मैं जानता हूँ। तो फिर ये कॉलम, देखिए ये कॉलम भी बहुत पॉपुलर होगा, आप इसमें चाहे जो भी लिखें। लेकिन ये बिना मकसद की लिखाई हम सब कर रहे हैं। कम से कम आप ईमानदार तो हैं। रख दो, मैं बना लूंगी। चीनी कितनी? घर से बाहर 2 चम्मच ले लेता हूँ। घर के अंदर? जी। वैसे आपने सही पहचाना, दरअसल बीवी ने राशन लगा रखा है चीनी पर। क्यों, आप डायबिटिक हैं क्या? नहीं नहीं, दरअसल उसे उसे डर है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, यू नो। खैर जोक्स अपार्ट, मैं नहीं समझती कि मुझे ये कॉलम करना चाहिए। नहीं नहीं तनु जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए हमने तो सोचा था कि आपके इस कॉलम के आने से हमारे मैगजीन की बिक्री कुछ बढ़ जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इस कॉलम में कुछ नया या इंटरेस्टिंग नहीं नजर आता। पैदा कीजिए ना तनु जी। I'm sorry, I don't have the time. अच्छा अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये कुछ खत आए हुए हैं संपादक के नाम इस कॉलम के लिए, ये मैं यहाँ छोड़ जाता हूँ। आप हो सके तो उन्हें पढ़िए, शायद कुछ फैसला कर सकें। और अगर ना कर सकी तो मुझे फिर किसी और नॉन पर्सनैलिटी के पास जाना पड़ेगा। मैं एक टाइपिस्ट हूँ, तनख्वाह तो अच्छी मिलती है लेकिन दिन भर काम बहुत करना पड़ता है। God, how stupid. मेरा नाम भारती है, मैंने इसी साल जूनियर कॉलेज पास किया है, मुझे 84% मार्क्स मिले हैं और बस यही मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी हो गई। मैं मेडिसिन में जाना चाहती हूँ, जब से होश संभाला है डॉक्टर बनने का सपना ही मैंने देखा है, लेकिन 84% से मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती और ना ही पिताजी के पास इतने पैसे हैं कि वो कैपिटेशन फी भर के मुझे दाखिला दिलवा सके। हताश हो चुकी हूँ, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन पाऊंगी, दिल चाहता है खुदकुशी कर लूं। हेलो भारती, मम्मी और पापा कहाँ हैं? अंदर है।
क्या कर रहे हैं? पता नहीं। तू कब तक ऐसे रहेगी भारती? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। तुम एमबीबीएस कर रहे हो ना भैया, तुम नहीं समझ सकते। राहुल तू कब आया? अभी मम्मी, बहुत थक गया हूँ, आज सारा दिन प्रैक्टिकल से। एक्सक्यूज मी। भारती बेटे, तुम्हारी मम्मी और मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। पापा, मुझे पता है आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। यू आर रॉन्ग बेटे, मैं तुमसे कहने वाला था मैं तुम्हारा दोषी हूं। सच बेटे, काश मुझ में हिम्मत होती कि मैं तुम्हें और पढ़ा सकता, पर मेरी हैसियत के हिसाब से राहुल और तुम में से मैं किसी एक को ही एमबीबीएस करा सकता हूं मैं। पर पापा, मुझे तो बहुत खुशी होगी जब राहुल भैया डॉक्टर बन जाएंगे। अभी अभी रस्तोगी साहब का फिर से फोन आया था, उनका बेटा विक्रम कुछ ही दिनों में बंबई से जा रहा है, उसे मिल ले भारती। अरे अच्छा घराना है, दहेज वगैरह की भी कोई मांग नहीं होगी, इससे ज्यादा हम आजकल और चाह भी क्या सकते हैं। मम्मी प्लीज, आप मुझसे शादी के लिए जबरदस्ती मत कीजिए। जबरदस्ती ना करूं तो क्या करूं? तू 18 साल की हो चुकी है, मेडिसिन में जा नहीं सकती, और कुछ करना नहीं। मैं तेरी शादी की बात ना करूं तो और फिर क्या करूं? मम्मी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो बेटे तुम क्या करना चाहती हो? मुझे कुछ पता नहीं है पापा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया मेरे साथ? थोड़े से मार्क्स और आ जाते तो I hate myself. तनु, खाना बहुत ही टेस्टी बना है, खास तौर से ये करेले। थैंक यू, आई विल कन्वे योर कॉम्प्लीमेंट्स टू दासन। एक्चुअली अशी, मैंने तुझे एक मतलब से बुलाया। अच्छा, करेले अचानक कड़वे लगने लगे। अच्छा चल बता, क्या बात है? मुझे तुझसे कुछ पता करना है, वजह अभी नहीं बता पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद वजह नहीं मालूम। अच्छा यशी, अगर तू डॉक्टर नहीं बनती तो क्या बनती? ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि डॉक्टर होने के सिवा मैंने दूसरा कुछ सोचा ही नहीं। क्यों, एक्टिंग छोड़कर मेरे पेट पर लात मारना चाहती हो? नहीं रे, लेकिन सच बताइए जी, अगर कोई डॉक्टर ही बनना चाहे और ना बन पाए तो क्या वो और कुछ नहीं कर सकता? कुछ और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ उतना ही सेटिस्फाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या? अरे बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेस हैं, जैसे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फार्माकोलॉजी। बाप रे, इतने सारे? अरे भाई, काफी सारी बीमारियों के काबिल है हमारा शरीर, बिगड़ जाए तो एक डॉक्टर से थोड़ी ही काम चलेगा, इसलिए इतने सारे कोर्सेस। अच्छा, तो ये तुम डॉक्टर लोगों के पैसे बनाने के धंधे हैं? वाह, जवाब नहीं तेरा, पूछती भी है और छेड़ती भी है। इन सब कोर्सेज में होता क्या है? सुन जी, आप क्या भारती वर्मा यही रहती है? आप तो वो सही पहचाना। अनुजा, अरे तुम भारती हो? जी हाँ, पर आप यहाँ? मैं तुम्ही से मिलने आई हूँ। ओह प्लीज कम इन, प्लीज ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू, बहुत हैरत हुई मुझे यहाँ देखकर। जी हाँ, नहीं तो मुझे तो हुई। प्लीज बैठिए। थैंक यू। जाहिर है तुम सोच रही होगी मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। तुमने वेमेंस इंडिया को खत लिखा था? जी। उन्होंने काफी सारे खत मुझे दिए थे, उनमें से एक तुम्हारा था। वो तो मैंने डिप्रेशन में लिखा था। आई नो, इस उम्र का डिप्रेशन भी अनोखा ही होता है। मुझे लगा तुम कहीं गलती ना कर बैठो, बस बगैर सोचे चलिए। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ बैठी है। क्या आप समाज सेवा भी करती हैं?
नहीं, या तो मैं कुछ नहीं करती या कुछ भी कर लेती हूँ। आज फ्री थी और फिर घर में भी कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ भारती, क्या तुम सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहती हो या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कुछ और भी करना चाहोगी? मैं सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है, इसलिए सब लोग कहते कि मैं शादी कर लूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल की सोचता कौन है यहाँ? क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में तुम्हें शादी का फैसला करना चाहिए? फिर ये तो वही बात हुई ना कि कुछ करने को नहीं मिला इसलिए शादी कर ली, एंड दैट इज नो रीजन। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भारती, अब तुम्हारी उम्र ही क्या है, दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, और तुम्हारे लिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेस हैं। देखना चाहोगी? ये माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ये रिसर्च करते हैं कि बीमारियां किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। गुड मॉर्निंग शेट्टी, आप इन्हें बताएंगे कुछ? श्योर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ब्रांच है मेडिसिन की। आप इसमें बीएससी भी कर सकती हैं, आगे चल के एमएससी भी कर सकती हैं। वैसे तो मुझे बचपन से शौक था कीड़े मकोड़ों से खेलने का, अब इन कीटाणुओं से खेलता हूँ। देखेंगे इन्हें, कभी बीमार पड़ी हो? यही वो बदमाश कीटाणु जिनसे बीमारी फैलती है। थैंक यू डॉक्टर शेट्टी, मैं अपनी पकड़ा पकड़ी फिर से शुरू करता हूँ। You have a strange sense of humor, doctor. All doctors have germs of humor in them. ये speech therapy है। Speech therapy? हाँ, यहाँ उन patients को treat किया जाता है जिन्हें सुनने में तकलीफ होती है और इस कारण ठीक से बोल नहीं पाते, या जो stammer करते हैं, या ऐसे लोग जिन्हें ब्रेन में डैमेज होने के कारण बात करने में तकलीफ होती है। चेहरे का रंग उड़ गया, सेमी सी के समा। भारती, ये है डॉक्टर प्रकाश, ये पैथोलॉजिस्ट है, तुम भी एमएससी कर सकती हो पैथोलॉजी में। डॉक्टर, आप इन्हें कुछ बता सकते हैं पैथोलॉजी के बारे में? वेल, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें शक होता है कि आपको कोई बीमारी है, तो वो कुछ टेस्ट लिखकर आपको हमारे पास भेज देते हैं। उनके ऑर्डर के मुताबिक हम आपके ब्लड, यूरिन, स्टूल वगैरह की जांच करते हैं और उन्हें एक रिपोर्ट भेजते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कंफर्मेशन मिलती है कि उनका शक सही था या गलत था। हाँ भाई, हम डॉक्टर्स इन पैथोलॉजिस्ट पर बहुत डिपेंड करते हैं। भारती, ये आज फिर तू कहाँ जा रही है? मम्मी, आज मुझे बहुत देर हो रही है, एक दो दिन में मैं आपको सब बता दूंगी। मुझे तो सिर्फ ये बता कि मैं रस्तोगी साहब को क्या जवाब दूंगी। मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे क्यों नहीं करनी? दुनिया वाले क्या कहेंगे, ना कोई काम करती है ना शादी कर रही है, तुझ में कोई नुक्स है क्या? मम्मी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ खोज रही हूँ। मम्मी, क्या खोज रही है तू? ये भी मुझे नहीं पता। हे राम, क्या मजाक है ये? अच्छा मम्मी, जब आप मेरी उम्र की थी तब कभी कंफ्यूज नहीं हुए थे? हमने तो अपने माँ बाप का कहना माना था, राहुल मेरी गोद में था जब मैं तेरी उम्र की थी। पर मम्मी, आज लड़कियाँ बहुत कुछ करना चाहती है। तू कुछ भी कहे, मैं तो तेरा रिश्ता यहाँ पक्का करा के रहूंगी, इतना अच्छा लड़का मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये बच्चा कितना प्यारा है। हाँ, मगर ये साइकियाट्रिक पेशेंट है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं जो दिमागी तौर पर परेशान होते हैं और अपना संयम खो देते हैं। उनके साथ कुछ सवाल जवाब करके उनके इमोशंस और इंटेलिजेंस को जानने की कोशिश करते हैं और इस तरह के कुछ टेस्ट करके उनका इलाज करते हैं। साइकोलॉजी में पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर 2 साल का स्पेशलाइज्ड कोर्स। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जोशी। गुड मॉर्निंग शर्मिला। भारती, ये फिजियोथेरेपी है, यहाँ उन लोगों की मदद की जाती है जो अपने किसी अंग को ठीक तरह से इस्तेमाल न कर पाते हो, जैसे कि पोलियो विक्टिम्स, पैरालिसिस के मरीज, या फिर एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर टूट गया हो, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस। इन सब में फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ली जाती है। वो अपने स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस के जरिए मरीजों को अपने अंगों की शक्ति वापस दिलाता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये है ऑक्यूपेशनल थेरेपी।
यहाँ अपाहिजों की, खास करके उन लोगों की मदद की जाती है जो किसी भी वजह से अपंग हो गए हों। इन्हें नया जीवन देने की कोशिश की जाती है अनगिनत पेशे सिखाकर, ताकि वे खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, किसी पर बोझ न रहे। और पता है भारती, कभी कभी उनके पैर उनके हाथ बन जाते हैं। अब बताओ भारती, क्या फैसला किया तुमने? क्यों, क्या बात है? मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्यों, ये पैरामेडिकल कोर्सेज अच्छे नहीं लगे तुम्हें? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर सारे के सारे इंटरेस्टिंग है। देखिए ना, पहले कुछ करने को था नहीं और अब इतना कुछ है कि मैं कुछ कंफ्यूज हो गई हूँ। एक बात बता दो, तुम शुरू से डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी? मुझे हमेशा यह लगता रहा, किसी का इलाज करना, उन्हें अच्छा करना कितनी अच्छी बात है। तो तुम स्पेस्टिक सोसाइटी चली जाओ, मैं वहाँ फोन कर दूंगी। स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो तुमने यहाँ देखे हैं, उनका प्रैक्टिकल यूज भी देख लोगी। दैट्स अ गुड आइडिया। आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वो बच्चे हैं जो सेरेब्रल पॉल्सी के कारण ऐसे हैं। यहाँ हम इन्हें अपने रोजमर्रा के काम करना सिखाते हैं, ताकि वे किसी पर बोझ हैं ऐसा महसूस न करें। इन्हें चलना, पढ़ना, बोलना सब सिखाते हैं। और क्या बनता है उसमें? छोटा सा छेद बनता है, और खाता है। ऐसा दिमाग के एक हिस्से में डैमेज हो जाने से होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो शरीर के हिलने डुलने को कंट्रोल करता है। वैसे 50% से भी ज्यादा ऐसे बच्चे एवरेज इंटेलिजेंस के होते हैं। टॉलर नहीं, गुड, टॉलर नहीं, पुश द मिरर विद बोथ हैंड, पुश द मिरर विद बोथ हैंड। क्या कर रही है? ये फिजियोथेरेपी है। ये नईम को एक्सरसाइज करवा रही है ताकि एक दिन वो खुद चल फिर सके। ओह गुड। तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट भी यहाँ काम करते हैं? जो करते हैं वो पैसों के हिसाब से घाटे में रहते हैं। वैसे फिजियोथेरेपिस्ट अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं और हाउस कॉल्स करके खूब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कुछ सेवा भाव से हमारे यहाँ भी काम करते हैं। पेशेंट्स की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिलता है। तुम चाहो तो कुछ देर यहाँ देख सकती हो। भक्ति, ये भारती है। हेलो, मैं अपनी क्लास में रहूंगी। ओके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नईम है। अच्छा नईम, आप कितने बड़े हैं? मैं 8 साल का हूँ। 8 साल के? दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती है। आप कितनी बड़ी हैं? मैं इतनी बड़ी हूँ। भारती, आज रस्तोगी साहब अपने लड़के को लेकर यहाँ आ रहे हैं। माँ, मुझे नहीं मिलना है उनसे। भारती, पापा कह रहे हैं तुम वक्त पे घर आ जाओ। क्यों भैया, तुम आगे पढ़ सकते हो, मैं क्यों नहीं? वो लड़का है, इसीलिए आप लोग उसे आगे पढ़ाओगे, मुझे नहीं, क्योंकि मेरे पढ़ने लिखने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। क्या कहा तूने? देखो भारती, तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ हर तरह के ऐशो आराम, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं। नहीं चाहिए मुझे ऐशो आराम, घुटन होगी उस ऐशो आराम से मुझे। और आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि पढ़ाई सिर्फ पैसों के लिए और नौकरी के लिए नहीं की जाती? ये क्यों नहीं मानते कि हर एक के लिए काम करना जरूरी है? मैं भी कुछ करूंगी, कुछ बनूंगी। अरे तो फिर कब करेगी शादी? वो लोग भी कब तक इंतजार करेंगे? मुझे नहीं मालूम। हेलो, आज नईम तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अच्छा, हेलो नईम, कैसे हो? बोलोगे नहीं क्या? नहीं। क्यों? नहीं बताऊंगा। बता भी दो नईम। बताऊं? आज आप इतनी देर से क्यों आई? ओहो, तो ये बात है। सॉरी नईम, मैं कुछ काम में फंस गई थी। अब हंस दो ना। नहीं, नहीं हंसूंगा। तो क्या रोगी? नहीं रोऊंगा। तो फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं करूंगा। तुम टॉफी खाओगे।
हाँ खाऊंगा। नईम अपने आप चलना कब सीखेगा? अपने आप चलने के लिए नईम को कुछ खास बॉडी फंक्शंस की जरूरत है, जैसे कि बैलेंस, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, और इन चीजों पे नईम काफी मेहनत कर रहा है ना नईम? यस आंटी। और जैसे ही ये इन चीजों पे काबू पा लेगा तो अपने आप बिना सहारे चल सकेगा। हाँ आंटी। क्या आपने फिजियोथेरेपी का कोर्स बॉम्बे में ही किया? हाँ, KEM हॉस्पिटल में। वहाँ फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 3.5 साल के कोर्सेज रहते हैं, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल है। धीरे हो। ओ दीदी, हम कितने अच्छे हो। नहीं, तुम भी तो कितने अच्छे हो। अब धीरे धीरे उठो। राइट राइट, वाओ वंडरफुल। करो नहीं, तनु दीदी नईम दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। सच, इतना प्यारा है वो कि पूछो नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने फैसला क्या किया? शादी का? करूंगी, लेकिन और 5-6 साल नहीं। पहले तो मैं सारे कोर्सेज करना चाहती हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह, ताकि इन बच्चों के साथ रह सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। अच्छा अच्छा, पहले एक तो करो, फिर आगे की सोचना। सच दीदी, मुझे पता नहीं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। देखो भारती, एक एक्सपेरिमेंट तुम कर रही हो, एक एक्सपेरिमेंट मैं कर रही थी, तुक्का ठीक बैठ गया। पर मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है, आगे और सीखूंगी। मैं भी तो इसी दौरान सीख ही रही हूँ। जैसे कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं भी उन बच्चों के लिए कुछ करूँ। जिस तरह तुमने मुझसे कुछ पाया है, मैं भी तुमसे कुछ पाऊंगी। अच्छा दीदी, अब मैं चलूं? ओके। माँ को जाकर एक बुरी खबर देनी है। बुरी खबर? यही कि मुझे एक राह मिल गई है। तनुजी। आइए आइए अजीत साहब, कहिए। हाँ तो तनुजी, फिर क्या फैसला किया आपने? अजीत साहब जी, आपको किसी और नोन पर्सनालिटी के पास जी नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि तनुजी, यानी आप लिखेंगे हमारी मैगजीन के लिए? लेकिन एक शर्त पर। मंजूर है। Right. फिर और क्या बताना? नहीं, बेहतर यही होगा तनु जी कि आप बता ही दीजिए। तो सुनिए, मैं खत का सिर्फ जवाब नहीं दूंगी, मैं हर बार एक खत चुनूंगी, उस औरत से मिलूंगी, हो सके तो उसे सलाह दूंगी, और फिर मैं अपना अनुभव आपके रीडर्स के साथ शेयर करूंगी आपके कॉलम में। आस्क तनु। अगर आप सोचें, अगर आप समझें।